फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के अंदर फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्स है। दो टाइप की फ्रिक्शन है, एक लिमिटिंग फ्रिक्शन है और एक स्टैटिक या स्टैटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन ऐसे बोल सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आप फोर्स अप्लाइड, मान लो इस ब्लॉक को मूव करवाने के लिए कम से कम फोर्स की जो वैल्यू चाहिए वो मान लो 10 न्यूटन चाहिए, तो मैं मान लो फोर्स अप्लाइड और मान लो एक फ्रिक्शन के बीच में टेबल बनाता हूँ। मैंने अगर 1 न्यूटन अप्लाई किया तो फ्रिक्शन की फोर्स भी 1 न्यूटन है, और मैंने 2 न्यूटन अप्लाई किया तो 2 न्यूटन है। इस तरीके से अगर मैंने 8 न्यूटन अप्लाई किया तो 8 न्यूटन है, करते करते 10 न्यूटन अप्लाई किया तो 10 न्यूटन है। बॉडी इस दौरान किस पे रहेगी? एट रेस्ट रहेगी। और इस सारी फ्रिक्शन को हम क्या नाम देंगे? दिस इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके बाद अगर मैं फोर्स अप्लाइड 11 न्यूटन 12 न्यूटन एंड सो ऑन कुछ भी करूं तो मेरी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहां पे थोड़ी सी कम हो जाएगी, 9.5 न्यूटन एंड सो ऑन, एग्जांपल है 9.5। तो इस सारी फ्रिक्शन की कांस्टेंट वैल्यू अचीव कर लेगी जिसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन। ये जो लास्ट वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन थी जब बॉडी रेस्ट पे थी, दिस इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये बताया कि इसके बाद लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद एकदम से थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि जो फ्रिक्शन है वो बेसिकली बॉन्ड्स की वजह से होती है एक दो सर्फेसिस के, और चलती हुई बॉडी में जो फ्रिक्शन है वो थोड़ी सी कम हो जाती है एज कम्पेयर टू स्टैटिक बॉडी। तो ये इसलिए इसकी क्लासिफिकेशन कर दी गई है। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। शुरू में ये ग्राफ क्या आता है? स्टैटिक फ्रिक्शन का ग्राफ आएगा। एज यू अप्लाई सम फोर्स तो इसमें जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो बराबर आनी स्टार्ट हो जाती है, तो लीनियर ग्राफ है। उसके बाद क्या होगा? इसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाएगी, यानी कि 10 न्यूटन की। उसके बाद फिर काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगी जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या होगी? कम होगी। तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है इसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग में बॉडी का स्लाइड करना इज अ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जो काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं जिसे हम, और रोलिंग फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट टॉर्क से जैसे हम रोटेशनल मोशन किया था, तो उसको तभी नहीं डिस्कस करेंगे। लॉज ऑफ फ्रिक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, एंड सेकेंड है इट स्टेट्स दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। ये हमने किया हुआ है, तभी तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ पर एक म्यू लगेगा कॉन्स्टेंट जिसको आप क्या बोलते हैं? कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। तो एफ इज इक्वल टू म्यू टाइम्स आर फॉर नॉर्मल रिएक्शन। नेक्स्ट जो है कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन मैंने आपको बता दिया। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन है कि अगर एक बॉडी पड़ी हुई है, आप मेरी तरफ इसे खींच रहे हो, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगी? पीछे की तरफ। और नॉर्मल रिएक्शन कहाँ होगा? ऊपर की तरफ। इन दोनों के बीच में जो रिजल्टेंट आएगा वो यहाँ कहीं आएगा, बाय पैलोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन। तो ये जो रिजल्टेंट होगा वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ कितना एंगल बनाएगा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, थीटा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा क्या? आप देख सकते हो इसमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन, अगर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ है तो ये भी एफ है, तो टैन थीटा इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई क्या आएगा? आर। टैन थीटा इज इक्वल टू एफ बाई आर, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी। लेकिन एफ बाई आर क्या होता है? म्यू होता है। तो म्यू इज इक्वल टू टैन थीटा इज इक्वल टू एफ बाई आर, इसका एक रिलेशन है वेयर थीटा इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है यहां तक? तो एंगल समझ में आ रहा है। ऐसे ही दूसरा एंगल है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या एंगल है? इट इज डिफाइंड एज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन एट विच बॉडी लाइंग ऑन इट जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन, बस वो चलनी स्टार्ट हो जाए विदाउट एनी एक्सेलरेशन। तो इसके लिए सपोज ये एक बॉडी है और मान लो ये एम जी कॉस अल्फा, एम जी साइन अल्फा, नॉर्मल रिएक्शन आर और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ। तो अगर आप चाहते हो एक्सेलरेशन ना हो तो एफ किसके इक्वल हो जाए? एम जी साइन अल्फा। और इसमें नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होगा? एम जी कॉस अल्फा। तो यहाँ से एम जी आर इज इक्वल टू एम जी कॉस अल्फा, इक्वेशन नंबर 1, और ऐसे ही एफ इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फा, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो एम जी साइन अल्फा एम जी कॉस अल्फा डिवाइड करके क्या आएगा? टेन अल्फा। टेन अल्फा इज इक्वल टू एफ बाई आर, लेकिन एफ बाई आर फिर से क्या होता है? म्यू। तो म्यू इज इक्वल टू अगेन टेन अल्फा या टेन थीटा। तो ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन रिपोज की जो वैल्यू है वो म्यू की इक्वली होती है, दैट इज एफ बाई आर। तो ये हमने केस किया था। तो इसके अंदर जो नेक्स्ट है एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन मूविंग द बॉडी अप द इंक्लाइन प्लेन। अगर मैं बॉडी को ऊपर लेके जाना चाहता हूँ तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो लेट अस सपोज ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो नीचे एक्ट करेगी। एम जी के दो कॉम्पोनेंट्स हैं, एम जी कॉस और एम जी साइन, और इस केस में पी एक फोर्स है जो मैं ऊपर की तरफ अप्लाई कर रहा हूँ, और मुझे क्योंकि मिनिमम फोर्स निकालनी है तो मिनिमम फोर्स में एक्सेलरेशन क्या रखी जाएगी? 0, और वेलोसिटी क्या रखी जाएगी? कांस्टेंट। तो पी किसके इक्वल होगा? पी विल बी इक्वल टू एफ प्लस एम जी
साइन थीटा, क्योंकि इसमें एक्सलेशन तो मैं ले नहीं रहा, अगर मैं एक्सलेशन लेता तो दिस माइनस दिस दिस इज मास इनटू एक्सलेशन हो जाती, पर मैं कह रहा हूं मैं तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ लेके जाना चाहता हूं, तो एफ पी किसके इक्वल होगा, एफ प्लस एम जी साइन थीटा। तो यहां से आप पी की वैल्यू निकाल लेना यहां से, तो पी की वैल्यू एम जी साइन थीटा प्लस एफ हो जाएगा, लेकिन एफ किसके इक्वल है, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन एम जी कॉस थीटा, तो इसको उठा के यहां पुट करेंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, पी की वैल्यू आ जाएगी, ये पी आ गया, लेकिन वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की वैल्यू पी की यहां पुट करेंगे, जो भी आंसर आएगा आपका वर्क डन होगा, मतलब पहले फोर्स निकाल लेंगे पी, फिर लेंथ से मल्टीप्लाई करके वर्क डन आ जाएगा। ऐसी अगर मान लो एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन मूविंग द बॉडी डाउन द इंक्लाइंड सरफेस, तो पी अब ऊपर नहीं लगाना, पी कहां लगाना है, नीचे लगाना है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां एक्ट करेगी इसमें, नीचे की बजाय ऊपर एक्ट करेगी ऐसे, और क्योंकि एक्सेलरेशन तो ले नहीं रहा, तो इस केस में पी प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ, तो ऊपर और नीचे की फोर्सेस इक्वेट कर दो, तो पी प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ, तो पी की वैल्यू एफ माइनस एम जी साइन थीटा, पर फोर्स ऑफ रिएक्शन क्या होता है, म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन, इसको उठा के ऊपर पुट करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, पी की वैल्यू आएगी, ये पी आ गया, इसको लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे अमाउंट ऑफ वर्क डन आ जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पी आ गया, पी आ गया, तो वर्क डन पी इंटू एल लेंथ डिस्प्लेसमेंट। तो जस्ट एक एग्जांपल है, कोई भी एक केस बना के आपको पेपर में सॉल्व करना पड़ेगा वर्क डन का, पी कोई फोर्स ले लो, एफ वन कोई फोर्स ले लो, उसके एफ वन की वैल्यू निकाल के बस ये देखना है कि बॉडी ऊपर जा रही है बॉडी नीचे आ रही है, दैट्स इट। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट जो है हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम, हम क्या करते थे हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम के अंदर, क्या होता है कि सपोज एक कार्ट है और एक हॉर्स है और टाइड विद अ स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में टेंशन टी एंड टी है, तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन आर वन आर टू है और वेट डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू है, तो जब ये हॉर्स चलेगा तो पैर पीछे करेगा, फोर्स पीछे लगाएगा, रिएक्शन आगे मिलेगा, इस रिएक्शन के दो कॉम्पोनेंट होंगे, एक वर्टिकल कॉम्पोनेंट होगा और एक हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट होगा, तो इसमें हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट क्या होगा, आर आर इंटू कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, तो अगर ये फोर्स आर कॉस थीटा किससे बड़ी होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से, तो ये कार्ट आगे चलेगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स हॉरिजॉन्टल से बड़ी होगी, वर्टिकल फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करती जाएंगी, तो इसलिए ये हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम में इस टाइप की प्रॉब्लम आपके पास आएगी, बस ये डिस्कस करना होता है इसमें। ठीक है यहाँ तक। फिर नेक्स्ट इसके अंदर क्या आता है, सपोज ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, तो मैं इसको अब क्या कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, पुश, और कितने एंगल पर कर रहा हूँ, थीटा पे, तो अगर ये थीटा है तो ये भी कितना है, थीटा, तो एफ के तो क्या हो जाएंगे कॉम्पोनेंट्स, एफ कॉस थीटा, इस तरफ एफ साइन थीटा, नॉर्मल रिएक्शन क्या है, एन, वेट कितना है, एम जी, फ्रिक्शन कहाँ ऐड करेगी, पीछे, तो अगर आप चाहते हो ये आगे मूव करे तो एफ इंटू साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, इक्वल टू एफ, पर प्रॉब्लम ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर एफ तो ठीक है, जो फोर्स ऑफ जो नॉर्मल रिएक्शन है एन, इसमें ऐसे करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है और साथ में नीचे की तरफ कौन है, एक तो एफ कॉस थीट है, नीचे एफ कॉस थीट है और प्लस कितना है, एम जी है, तो नॉर्मल रिएक्शन अगर इतना है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, न्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन अगर मैं इसी चीज को पुश करने की बजाय क्या करता हूं, पुल करता हूं, तो पुल के केस में एफ कॉस थीटा इधर हो जाएगा, एफ इंटू साइन थीटा ऊपर हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर हो जाएगा, वेट एम जी नीचे हो जाएगा, तो एन प्लस एफ साइन थीटा किसके इक्वल है, वेट एम जी, तो एन इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन इसमें ज्यादा है, इसमें नॉर्मल रिएक्शन कम है, तो ऑब्वियसली जिसमें ज्यादा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगी, तो इसमें डिफिकल्ट है पुश करना और पुल करना ज्यादा ईजी हो जाएगा, जिसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है उसमें नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है, उसको मुश्किल है पुश करना, जिसमें नॉर्मल रिएक्शन कम है उसको ईजी है मूव करवाना। ठीक, सो ये कुछ केसेस हैं और ये हमने कर लिया, एक्सेलेरेशन वगैरह इसको करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें देख लेते हैं, एक्सेलेरेशन अलोंग अ रफ इंक्लाइन प्लेन, तो जैसे एम जी, एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, ये तो इसमें बनेगा ही बनेगा, बस फर्क ये है कि जब बॉडी नीचे आएगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कहाँ एक्ट करेगी, नीचे, और जब ऊपर जा रही होगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसके अंदर जैसे इस केस में ये बॉडी नीचे नहीं आ रही, ये बॉडी ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे एक्ट करेगी, नीचे आएगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन
ऊपर ऐड करेगी, बिल्कुल सही। तो इस तरीके से एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू होंगी वो निकल जाएंगी, क्योंकि नेट फोर्स जो भी होगी, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ नहीं करना आपको, सफिशिएंट है, ठीक।